ડેડી ને આઈડિયા ભાઈ કરંટ લાગે છે ને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર તો છે જ એમાં કાજે कपड़ों में ही आके सीधा लग पड़ी हूँ कुकिंग बनाने, बना रही हूँ बैंगन का भरता। और बाहर का वेदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बारिश का आना मीन्स वेरी सिंपल, कभी भी बारिश आ जाती, कभी भी आ जाती है बारिश, और कभी भी हो जाती है धूप। और ये अभी बादल देखो, अभी और बारिश आएगी, ऐसे लगता है बर्ड जैसे बारिश को बुला रहे हैं। कल अच्छी धूप निकली थी और आज हो गई है वापस रेनी वेदर। ये यहाँ पे होता रहता है ऐसे। तो मैं निकलूँगी अभी कुकिंग करके, थोड़ी देर बाहर निकलूँगी, कुछ शॉपिंग देखूँगी। और मुझे लगा मैं कुकिंग करके जाती हूँ। इसमें लगा दिए है चिक पीस, जो वापस आके बॉईल करूँगी, काले वाले चिक पीस जो बॉईल करके रख लूँगी। तो बच्चों का जब भी चिक पीस करी बनाना है मुझे काम आते। तो ये है इवनिंग का प्लान, राइस एंड चिक पीस बनेंगे, बैंगन का भरता, बाजरी की रोटी और गेहूं की रोटी, ये सब खाना पकेगा इवनिंग के लिए डिनर। और वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। और हमने कब से व्लॉग नहीं बनाया था। और ये बच्चा इधर बैठ के क्रिप्स खा रहा है, एंड ही इज गोना से हेलो टू एवरीवन। से हेलो, से हेलो फ्रेंड्स, हेलो, जस्ट इतना ही बस। ओके, अब वही खा रहा है और उसको देखना है कार्टून। सो हमें थोड़ा सा ही अभी हेलो करेगा, अब इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा। और वेदर इतना डार्क है कि मैं कहीं पे भी वीडियो ले जाऊँ मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, इतना वेदर डार्क हो रहा है। सनी वेदर होता तो साफ दिखता है कैमरे में और मज़ा आता है रिकॉर्डिंग करने में। और अभी इतना डार्क डार्क सा अंदर लग रहा है। मैंने लाइटें नहीं जलाई, फालतू में बिल नहीं लाना। और हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हर दिन, क्योंकि घर का ये सारे इंटरेस्ट इधर पे बढ़ रहे हैं, सारे बिल्स बढ़ रहे हैं। यूके में ये चीज़ें हो रही है। अभी एक और मैं बात बताती हूँ, अगर हम इधर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो हमें कोई भी लूट के चला जाएगा। तो ऐसी कोई बात हुई है मेरे गाड़ी की इंश्योरेंस में, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस मुझे लेटर मिला अभी, जो मेरे 3 साल से जो कंपनी मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी उन लोगों का मुझे लेटर आया कि नेक्स्ट रिन्यूअल के लिए मांग रहे 5,267 pounds एक साल के लिए मेरी गाड़ी इंश्योर करेंगे ये लोग। यहाँ पे यूके में हम इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकते इंश्योरेंस के बगैर एक दिन भी। तो इन लोगों का कहना है कि ये मुझे ड्राइविंग का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करेंगे एक साल के लिए 5,267 pounds में। मैंने क्या किया, मैंने मनी सुपरमार्केट में जाके इंश्योरेंस कंपनी से कोट पूछा, तो मेरा इंश्योरेंस फाइनली कहाँ 900 pounds और कहाँ पे 5,000 pounds। तो 900 का वो हो गया इंश्योरेंस। और वो एसी का फ़ैन मैंने और विजय ने रिपेयर किया, वो मुझे गैरेज वाले ने बोला था कि पार्ट्स का ये मैं डिटेल देता हूँ आपको, वो पार्ट्स मंगवाने के और पार्ट्स के साथ लगाने के मुझे टोटल लगेगा 333 pounds। वो ही पार्ट हमने ऑनलाइन मंगवाया 30 pounds का, और मैंने और विजय ने वो पार्ट गाड़ी में फिट किया, तो हमें 30 pounds में हमारा मेरी गाड़ी का एसी और हीटिंग दोनों चल रहे हैं अभी। तो गैरेज वालों का भी नहीं सुनना है, सबके लिए ये सीख है। और इंश्योरेंस वालों को भी नहीं फॉलो करना है, वो बोलते हैं मुझे तुझे नो क्लेम बोनस भी नहीं देंगे। मेरा नो क्लेम बोनस एक साल का सिर्फ रह गया, 3 साल के मिलने चाहिए थे मुझे। तो ये मेरी कंपनी जो थी इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो मुझे लास्ट ईयर 750 में प्रोवाइड किया था इंश्योरेंस गाड़ी का, इस साल 5,000 मांग रहे थे। अगर मैंने उसकी बात मान लेती मैं तो कितना मेरा नुकसान हो जाता। तो इन लोगों को सिर्फ अभी पैसे लूटने की चीज़ें आती है सबको,
इवन घर के मोर्गेज का हो, इंटरेस्ट का हो, गाड़ी का हो, हर बार आपको इसमें चौकन्ना रहना है, कोई भी लूट के चला जाता है यहाँ पे। तो ये था, मुझे लगा मैं बताती हूँ, किसी और को काम आएगा, अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा किसी का भी फायदा होगा ये। अगर इंश्योरेंस वाले जितना मांग रहे हैं, वो भले ही आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर 3 साल से हो, 4 साल से हो, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपको मनी सुपरमार्केट में जाके कंपेयर करके फिर लेना है। मुझे फ्रेंड की हेल्प मिलती है एडवाइस में, इन चीज़ों में, जो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं जो वो पैसे मांगे वो पैसे दे नहीं देती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड्स को पूछती हूँ और फिर एडवाइस लेके फिर अपना डिसीजन लेती हूँ। तो बहुत सारे पैसों का डिफरेंट हो जाता है। ये था बस, मैं बहुत ट्राई करी, पहलनी इच्छा नहोती, बारे जम्मा जवानी हेलनी इच्छा होती, पिज्जा खावानी, तो पिज्जा लेवा आई छू अ। सडनली वेधर एकदम खराब थी गयु, तू वरसाद आवा लगी गयो। दिस इज यूकेज वेधर, नेवर माइंड, दिस हेपन ऑल द टाइम। सो वॉट हेपन देन, हेलन डिडन मूड, ये वरसाद आवा मिलो, अने हेलन ने जाऊ न तो कोई हिसाबे बारे जमवा, अने अभय ने बारे जमवा जाऊ तो सर्व ना भवन, पर अभय सूई गयो, एटले पछी बारे जमवा जावानुं कैंसल कर्युं। મેં મારાને વિજય માટે ફૂડ કુકિંગ કરી નાખ્યું છે, અને હેલન માટે ટેક અવે લેવા આવી છું, વિજયને શેર કરવું હશે તો હેલન સાથે થોડું ખાવાનું ખાશે બહારનું, પિઝા અને પોટેટો વેજીસ એવું લીધું છે। માય વિડીયોઝ આર સ્ટાર્ટ વિથ હિન્દી ઓર ફિર બાદ મેં મિક્સ ગુજરાતી, હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ વિડીયો હો જાતા હૈ, મગર ચલતા હૈ, આપ લોગ બહોત સમજદાર હો। मेरी गाड़ी का जो फैन नहीं चल रहा था, हीटिंग फैन, वो चलने लगा है अभी, तो अभी वापस से गुर्र की आवाज शुरू हो गई होगी वीडियो में। घर के बिल्कुल पास है, अभी पहुंच जाएंगे। ये जो पिज्जा हट है मेरे घर से इतना नजदीक है, तो मैं आराम से पिकअप कर सकती हूँ। ये है घर का रास्ता और पीछे पिज्जा हट, इसीलिए मैं डिलीवरी फी नहीं लगाती और खुद जाके पिकअप कर लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी में फटाक से पिकअप कर सकते हैं, देर तो उसमें लगती नहीं। ये बस हम घर पे पहुंच गए, ऑफ कर दिया, अब अच्छा है, अब मैं गाड़ी लेके रात को भी कहीं भी भागना है भाग सकती हूँ आराम से, क्योंकि हीटिंग ऑन हो गई है। जब हीटिंग नहीं चल रही थी गाड़ी में तो मुझे ठंड लग रही थी और मैं रात को निकल नहीं सकती थी, क्योंकि स्टीम बन जाती थी गाड़ी में, उस वजह से डेंजरस हो जाता है ड्राइविंग करना, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई लाइक टू ड्राइव विद केयर, इस फैमिली को बहुत ज़रूरत होती है, माँ की, बीवी की, एक बेटी की, तो अच्छे से ड्राइव करना चाहिए सबकी सेफ्टी के लिए। तो ये मैं आ गई वापस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थोड़ा अंधेरा हो गया है, चलो निकल के अभी बात करते हैं। विजय की गाड़ी के पास में पार्क की है, तो ये ले लिया खाना गरम गरम। आज मैं लाइव आई, मुझे बहुत मजा आया लाइव में बातें करके। ये हम पहुंच गए घर के अंदर, कर देते हैं गाड़ी को लॉक और मैं दिखाती हूँ आपको पीछे ले आई हूँ। हेलेना फूड रेडी, हेलन का दिल किया था पिज्जा ही खाना था बस,
ये भी मैंने ऑर्डर कर लिया साथ में, पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस को तो बिल्कुल, पोटैटो को ऐसे फ्रेश बना के दिया है, नाइस है वैसे वो पिज्ज़ा। वेजी मार्गरेट पिज्ज़ा, और हेलन के हिसाब से बिल्कुल बनाया है, हेलन को पसंद है। सिर्फ स्वीट कॉर्न, अनियन एंड ग्रीन चिली, सिर्फ वही डाला है उसमें। तो ये आ गया हेलन का डिनर, अभी वो आराम से खा लेगी। मम्मी भी इसमें साथ में शायद पोटैटो वेजेस थोड़ा ट्राई करूँगी मैं भी। और अभय अभी भी सोया है, अभय को जगा के थोड़ा और खिला दूँगी। तो ये सो गया है इधर ही, बुखार या कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सो रहा है मज़े से। और मैं बाहर, बारिश भी थी फिर भी कलेक्ट करके ले आई पिज्ज़ा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो को कल भी कंटिन्यू करेंगे सुबह उठ के, सुबह का रूटीन, और फिर कल से मैं वीडियो वापस रेगुलर लगाना शुरू कर दूँगी। तो बस ये था आज का इवनिंग, थर्सडे इवनिंग, कल से फ्राइडे। कल ये दोनों आधा दिन ही स्कूल है, जल्दी से स्कूल फिनिश करेंगे तो पिकअप कर लेंगे, और फिर मैं इन लोगों के साथ होंगी इवनिंग में। और अभी कुछ नया नहीं है, मुझे जल्दी से हेलन को खिलाना है क्योंकि टाइम हो रहा है 9:30, फिर उसको सुबह स्कूल भी है। जल्दी से खा के वो सो जाएगी, और अभी तो ऑलरेडी सो रहा है। अभी ने तब रोटी और करी भी खा ली थी, तो अभी सोया रहेगा तब भी, कोई इतनी वो नहीं है, वरी नहीं है उसको जगाने की कोई। ही कैन जस्ट स्लीप नाउ, रिलैक्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।